प्रधानमंत्री के इस रोड शो से जो माहौल है वो पूरी तरह से एक तरफा हो जाएगा, इसी उम्मीद के साथ यहाँ पर इतनी सारी जो भीड़ है वो जुटी हुई है। कार्यकर्ता उत्साहित नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री को देखने के लिए। और देखिए अब इंतजार खत्म होने वाला है, समय हो चुका है। जो खबर हमें मिल रही है प्रधानमंत्री इसी तरफ अब बढ़ने लगे हैं, ये है स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से प्रधानमंत्री का जो रोड शो है वो शुरू होगा। हालांकि प्रधानमंत्री जैसे ही एयरपोर्ट से निकले हैं वहाँ भी जिसको भी पता चला वो अपने अपने घरों से देख रहा था। हालांकि जो तैयारी है बैरिकेड्स की तैयारी और जिस तरह की का आयोजन होता है वो सारी तैयारी वो यहाँ से हो रही है, और इसके बाद प्रधानमंत्री का काफिला यहाँ से गुजरेगा जिसका इंतजार यहाँ पर लोग कर रहे हैं। ये भी आपको बता दूं कि कल भी क्योंकि सातों चरणों में बिहार में मतदान हो रहा है तो कल भी 5 सीटों पर वोटिंग होने वाली है, तो ऐसे में इसका एक प्रभाव, एक सेंटिमेंटल प्रभाव जो है वो जाहिर तौर पर माना जाएगा। और प्रधानमंत्री से वैसे भी बहुत ज़्यादा लोग इम्प्रेस रहते हैं उनको देखने के लिए, और जिस तरह का उनका जुड़ाव है वो जहाँ जाते हैं उससे जुड़ी हुई कोई बात ऐसी कहते हैं कि लोगों को लगता है कि प्रधानमंत्री को कितना वो जानते हैं, कितनी वो जानकारी रखते हैं लोगों के बारे में, जो अलग अलग डिफरेंट रीजनल स्पेशलिटीज़ हैं उसके बारे में वो हर जगह जिक्र करते हैं, तो प्रधानमंत्री का कनेक्ट भी लोगों को खींचता है उनकी तरफ। और हम जब बिहार की बात करते हैं तो जब प्रधानमंत्री कई जगह जिक्र करते हैं कि बिहार जो भारत है वो लोकतंत्र की जननी है, तो लोकतंत्र की जननी का संबंध बिहार से ही है, वैशाली जो बिहार का हिस्सा रहा है उससे ही है। जब G20 समिट हुआ उस दौरान भी बार बार इस बात का जिक्र किया गया कि हमने लोकतंत्र के बारे में जो हमें पश्चिमी दुनिया ने सिखाया है, चाहे वो ग्रीस से डेमोक्रेसी की शुरुआत हो या इंग्लैंड की बात हो, लेकिन सही मायने में उनसे कहीं ज़्यादा पहले भारत में लोकतंत्र की, गणतंत्र की शुरुआत हो चुकी थी। और उसकी जननी अगर भारत है तो उसका मुख्य केंद्र बिहार है, वैशाली है, और आज यहाँ पर प्रधानमंत्री आ रहे हैं जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की, यानी सबसे बड़ा लोकतंत्र जिससे सबसे बड़ी भागीदारी है मतदाताओं की, 97 करोड़ वोटर। और ऐसा लग रहा है कि काफिला आ गया है, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए पहली एसॉर्ट गाड़ी हम आपको दिखा रहे हैं जो इस वक्त आपके कैमरे पर है, आपके टीवी पर आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री जी आ चुके हैं और देखिए उत्साह कैसा बढ़ गया है लोगों का, उत्साह बढ़ गया। और ये देखिए लोगों ने अपनी फ्लैशलाइट जला ली है, कुछ लोग वीडियो बना रहे हैं तो कुछ लोगों ने फ्लैशलाइट जला दिया, और जय श्री राम के नारे उद्घोष जो है वो सुनाई देने लगा है प्रधानमंत्री के आते ही। एक एक करके अभी गाड़ी निकली है लेकिन प्रधानमंत्री दिखे नहीं है, उससे पहले ही लोगों ने एंटिसिपेशन में ही तालियां बजानी शुरू कर दी है। सभी लोगों ने अपने मोबाइल फोन की जो फ्लैश लाइट है वो ऑन कर ली है। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री कई अपने कार्यक्रमों के दौरान, सभाओं के दौरान प्रधानमंत्री कहते भी हैं लोगों से कि एकजुटता दिखाने के लिए, समर्थन दिखाने के लिए वो ऐसा करें, और आज भी लोग ऐसा ही कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री का काफिला बस यहाँ पर आने ही वाला है और सभी लोगों ने अपने फोन जो है वो ऑन कर लिए हैं। बहुत ही खूबसूरत तस्वीर, बेहद उत्साह जो है वो भरा हुआ है, गर्मी के बावजूद लोगों में उत्साह की कोई कमी नहीं है। दोपहर से ही 3 बजे से ही यहाँ पर लोग इकट्ठा हो गए थे और उसके बाद से लगातार यहाँ पर डटे हुए हैं, लगातार यहाँ पर मंत्रोच्चार हो रहा है, गाना बजाना हो रहा है, नारेबाजी हो रही है, कोई थकान लोगों पर जो थकान का असर है वो या गर्मी का असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इसे उत्साह की जरूरत है और यही लोकतंत्र का पर्व हम इसे कहते हैं। क्योंकि यूं तो जो देश है भारत वो उत्सव प्रधान देश है, लेकिन ये 5 साल में आने वाला उत्सव है जो हम इस वक्त मना रहे हैं, लोकतंत्र का उत्सव जो लोकसभा चुनाव है, और इसीलिए देखिए किस तरह का उत्साह लोगों में नजर आ रहा है लगातार। ये देखिए शंखनाद भी यहाँ पर हो रहा है, माहौल जो है वो पूरा उत्सव जैसा नजर आ रहा है यहाँ पर। और हमारे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी लगातार प्रकाश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम खुद बात कर सकते हैं। आप जी प्रकाश जी से भी हम बात करेंगे, वो भी हमारे साथ मौजूद है, लेकिन पहले हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। तस्वीरें अभी इस वक्त कुछ ही सेकंड में आपको हमारे कैमरे पर प्रधानमंत्री मोदी नजर आने वाले हैं, एक एक करके जो उनके एस्कॉर्ट की गाड़ियां हैं, उनके काफिले की गाड़ियां, जो पुलिस की गाड़ी है वो आपको नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी आप कुछ नरेंद्र मोदी अब थोड़ी देर में, कुछ ही क्षण में यहाँ आने वाले हैं, और ये नज़ारा जो दिखाता है जो अपार भीड़ है, और जो सूचना मिली है कि जबरदस्त भीड़ को देखते हुए रोड शो को और 1.5 किलोमीटर और बढ़ा दिया गया है, और पटना का ये रोड शो काफ़ी महत्वपूर्ण इस नज़रिए से है कि यहाँ से पूरे बिहार में संदेश जाएगा
और बिहार एक क्रूशियल स्टेट है जहां पर 40 सीटें हैं। पिछले बार 39 सीटें एनडीए ने जीता था और यहीं से अगल बगल के राज्यों पर, खासकर पूर्वांचल जो उत्तर प्रदेश से सटा हुआ, बिहार से सटा हुआ उत्तर प्रदेश का जिला है, फिर बंगाल है, झारखंड है, सब मिला के करीब 150-60 सीटों पर सीधा असर पड़ता है इस रोड शो से। तो इस रोड शो का अपना एक महत्वपूर्ण मायना है। कुछ ही देर में नरेंद्र मोदी आएंगे, रोड शो करेंगे। यहाँ पर एक रथ आगे बनी हुई है, ये देखिए सिक्योरिटी कॉर्डन, तमाम पुलिस अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। एरिया उधर से बैरिकेड कर दिया गया है जिधर से किसी की एंट्री नहीं है। इधर कैमरा मैन को बताएंगे, देखिए ये जनसमूह, विशाल जनसमूह रोड के दोनों किनारे की तरफ, विशाल जनसमूह, और इधर से गुजरते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरेंगे। और आज रात्रि विश्राम भी है, कल सुबह में फिर 2-3 जनसभाएं हैं। और बिहार का ये रोड शो महत्वपूर्ण और भी नज़रिए से है क्योंकि पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे 2013-14 में, इसी के इर्द गिर्द पटना में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था और उसके बाद अचानक से सुर्खियों में आए और पूरे देश में एक मोमेंटम बिल्ट हुआ। तो जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना आए हैं, उन्हें कुछ ना कुछ देश में संदेश गया है और उसके बाद वो शिखर तक गए हैं, उनकी लोकप्रियता बढ़ी है। और ये ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी अब आपको कैमरे में नजर आएंगे, अपने मॉनिटर स्क्रीन पर आपको प्रधानमंत्री मोदी नजर आएंगे। रोड शो की शुरुआत हो गई है, प्रधानमंत्री आज पटना में अपना पहला रोड शो करने के लिए आ चुके हैं और रोड शो शुरू हो चुका है। उस रोड शो का इंतजार सालों से लोग कर रहे थे क्योंकि दूसरे प्रदेशों में ऐसे कई रोड शो होते हैं, पटना वासियों को भी लगता था कि प्रधानमंत्री को वो भी जरा नजदीक से देखें, उनके बीच आए, वो उनसे हाथ मिला पाए, उनको उनको फूल दे पाए, माला दे पाए। और अब देखिए पटना वासियों की जो मुराद थी वो पूरी हो गई है और इसीलिए एक्साइटमेंट जो है वो अलग ही लेवल पर है। पटना में इतनी भीड़ शायद ही पहले कहीं कभी देखी गई हो किसी भी नेता के लिए किसी भी प्रचार के दौरान, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक मौका है पटना वासियों के लिए। प्रधानमंत्री मोदी आ चुके हैं, उनके बेहद करीब बिल्कुल पास से लोग देखने के लिए घंटों से इंतजार कर रहे हैं। आप सोचिए मई का महीना है और कितनी भयंकर गर्मी होती है खासतौर पर बिहार यूपी के इलाकों में, और लेकिन यहाँ पर दोपहर से ही लोग डटे हुए हैं, बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, गांव-गांव से लोग आए हैं, मुझे जानकारी मिली है। खासतौर पर बड़ी तादाद में महिलाएं आई हैं, मुस्लिम महिलाएं भी आई हैं जिनसे हमने बात भी की और उन्होंने बताया कि कैसे उनके जीवन में परिवर्तन हुआ है, कैसे तमाम जो योजना